देखिए, आज मैं आपको एक मुफ्त की राय देता हूँ कि अपनी जिंदगी में हमेशा मुफ्त की राय देने वालों से दूर रहो। इस देश में एक कौम है जिसका नाम है रायचंद, राय बहादुर। ये वो लोग हैं जो खुद किराए के कमरे में रहते हैं, लेकिन यदि आपका 5 करोड़ का बंगला बन रहा होगा तो तुरंत अपना स्कूटर स्टार्ट करके आपको राय देने पहुंच जाएंगे। किचन यहाँ नहीं वहाँ बनाओ, सोफा वहाँ नहीं यहाँ लगाओ, आपने खूब भुगता होगा ऐसे रायचंदों को। कोई काम नहीं होता इन बंदों को, केवल एक काम होता है, मुफ्त की राय देना। आज सुबह एक आदमी ने मुझसे कहा केले को छिलके के साथ खाना चाहिए। मैंने कहा इससे स्वस्थ रहते हैं? वो बोला नहीं, पर दूसरों के हाथ पैर सलामत रहते हैं। इस देश में मुफ्त की राय देने वालों की कोई कमी नहीं है, ये कहीं भी मिल जाते हैं। अब एक आदमी ने एक मिठाई की दुकान खोली और दुकान पर बोर्ड लगवाया, यहाँ ताज़ा मिठाइयाँ मिलती है। दुकान खूब चलने लगी। एक दिन एक रायचंद आया, बोला वाह पंडित जी, आपकी दुकान तो बहुत बढ़िया है, बोर्ड भी बहुत अच्छा लगाया है, यहाँ ताज़ा मिठाइयाँ मिलती है, लेकिन यहाँ का क्या मतलब? अरे जब दुकान आपकी है, इसमें बनी हुई मिठाइयाँ आपकी है, तो यहीं मिलेगी ना, कोई पड़ोस की दुकान पर थोड़ी मिलेगी। पंडित जी बोले तो क्या करूँ? वो बोला यहाँ हटाओ। यहाँ हट गया, अब रह गया ताज़ा मिठाइयाँ मिलती है। फिर एक रायचंद आया, बोला पंडित जी अपना धंधा चौपट करना है क्या? अरे ताज़ा का क्या मतलब? इससे लोग समझेंगे साला कभी कभी बासी भी बेचता होगा। पंडित जी बोले तो क्या करूँ? वो बोला ताज़ा हटाओ। ताज़ा हट गया, अब रह गया मिठाइयाँ मिलती है। फिर एक रायचंद आया, बोला पंडित जी मिठाइयाँ मिलती है का क्या मतलब? अरे मिठाइयों की दुकान पर मिठाइयाँ ही तो मिलेगी, कोई किराने का सामान थोड़ी मिलेगा। पंडित जी बोले तो क्या करूँ? वो बोला मिठाइयाँ हटाओ। मिठाइयाँ हट गया, अब रह गया मिलती है। लेकिन इन रायचंदों को चैन नहीं। फिर एक रायचंद आया, बोला पंडित जी ये मिलती है का क्या मतलब? ये बहुत गलत बात है, इससे लोगों में गलत अर्थ जाएगा, वे किसी और चक्कर में यहाँ आएंगे। पंडित जी बोले तो क्या करूँ? वो बोला मिलती हटाओ। मिलती हट गया, अब रह गया केवल है, है। फिर एक रायचंद आया, बोला पंडित जी ये है क्या है? अरे जब मिठाइयों से दुकान भरी पड़ी है तो है का क्या मतलब? इससे लोग सोचेंगे कभी कभी नहीं भी होती होगी। पंडित जी बोले तो क्या करूँ? वो बोला हे हटाओ। हे भी हट गया, अब पूरा बोर्ड साफ हो गया। इन रायचंदों ने उस आदमी का पूरा बोर्ड साफ कर दिया। लेकिन यहाँ तक भी होता तो गनीमत थी। अगले ही दिन एक ग्राहक आया, बोला वाह पंडित जी आपकी मिठाइयाँ तो बहुत ज़ोरदार है, दुकान भी बहुत अच्छी है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा बोर्ड टांग रखा है, इस पर कुछ लिखवाते क्यों नहीं? पंडित जी बोले क्या लिखवाऊँ? वो बोला लिखवाओ यहाँ ताज़ा मिठाइयाँ मिलती है। पंडित जी ने अपना सर पीट लिया।